भैया दूध है क्या? दूध है? कौन सा है? टोंड जो आता है वो? कितने सारे हैं और वो पूरे सबको मेरे को घेर रखा है, मेरे को डर लगने लग गया। पता नहीं यार ये खा के नहीं रहे, ना रोटी खाते हैं ना ब्रेड खाते हैं। अंकल ने पहले बोल दिया था, जो अंकल यहाँ पहले खड़े थे जब मैं दूध लेने गया था उससे पहले उन्होंने मेरे को बोल दिया था, पर मेरे को लगा ब्रेड तो ये खा ही लेंगे। गाइज तो मैं सेक्टर 13 का जो मेट्रो स्टेशन है वो पार कर चुका हूँ और आगे जा रहा हूँ। देखो अभी मैंने जो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो लगभग 9 to 10 किलोमीटर अभी तक कवर किया है, पर अभी घर जाने के लिए अभी भी मेरे पास मतलब 20 मिनट और लगेंगे। और जो रास्ता जो मेरे को कवर करना है वो 4-5 किलोमीटर और है यहाँ से। आगे वेगस मॉल है, यहाँ से चल रहा हूँ मैं। थोड़ा मुझे सर्विस लाइन में लेना पड़ा क्योंकि क्या है मेन रोड पे नहीं ले सकते थे, इसलिए सर्विस लाइन से लेना पड़ा। ये देखो गाइस यहाँ पर मैं रोज़ एक चीज़ देखता हूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स है ना वो रोज़ यहीं पर, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस उधर भी है स्ट्रीट डॉग्स, दिखाता हूँ आपको। एक मिनट साइकिल रोक के दिखाता हूँ। रोज़ आता हूँ तो रोज़ इन स्ट्रीट डॉग्स को देखता हूँ। ये बेचारे ना शाम को जैसे साइकिलिंग करने आता हूँ ना तो यहीं बैठे रहते हैं ये। मुझे नहीं लगता क्योंकि इन्हें यहाँ पर खाना मिलता होगा, क्योंकि पीछे इधर सोसाइटी है, इधर वेगस मॉल है, जो वो आपको वेगस मॉल दिख रहा है वो ब्लू, और इधर पार्क है और उधर मेट्रो स्टेशन है। तो मेरे को लगता है इनको खाने की थोड़ी दिक्कत है। बहुत सारी स्ट्रीट डॉग्स हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर इनके खाने का जो बॉक्स है ये सब भी रखे हैं, जैसे जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो डाल देते हैं। इनके लिए मैं थोड़ा मिल्क और ब्रेड ले लूँगा, जाता हूँ शॉप पे और लेके आता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं उनके लिए दूध ले आऊँगा। बाकी जो सोसाइटी के जो अंकल उंकल बाहर खड़े थे, मैंने उनसे बोला भी कि आप इन्हें फीड करते हैं नहीं करते, तो उन्होंने बोला बेटा करते हैं पर ये खाते नहीं हैं, ये मतलब जो खाएंगे ये रोटी नहीं खाते और ये दूध पीते हैं, खीर खाते हैं, ये सब उन्होंने मेरे को बोला। तो मैं दूध ले आता हूँ, ब्रेड ले आता हूँ, बाकी देखते हैं खाएंगे या नहीं खाएंगे। गाइस इनसे पूछते हैं एक बार डेयरी के बारे में, मेरे को यहाँ पता नहीं कि दूध कहाँ मिलेगा। अंकल दूध की डेयरी है यहाँ कहीं? दूध की डेयरी आगे आगे इधर, ठीक है अंकल थैंक यू। तो गाइस अंकल ने बोला है कि आगे है, थोड़ा आगे चल के है डेयरी, वहाँ तो मिल ही जाना चाहिए दूध। अभी थोड़ा लेट हो गए हैं, 8:30-9 बज रहे हैं, कहीं दूध ख़त्म भी हो गया हो जो स्टॉक है उनका। गाइस ये रही मदर डेयरी है, देखते हैं यहाँ पर है या नहीं है, चेक कर लेंगे एक बार। भैया दूध है क्या? दूध है? कौन सा है? टोंड जो आता है वो? कितने वाला है? 45 का कितना? अच्छा 45, एक दे दो, एक में हो जाएगा। और ब्रेड भी है? ब्रेड दे दो, दे दो। कौन सी कितने वाली है? 40 वाली दो, ले लो। तो गाइस ये दूध ले लिया है, बिल्कुल चिल्ड है, और ये बड़ी वाली ब्रेड ले लिया है। तो गाइस दूध और जो ब्रेड है वो ले चुका हूँ और अभी हम चलते हैं उधर और खिलाएंगे उनको। चलो ये देखो यहाँ काउस भी हैं, जितना हो सकता है हम उतनों को फीड करेंगे अभी। देखो तो मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ ये बैठे हुए, और मैं इनको एक बार में बुलाऊँगा तो ये सारे एक बार में आ जाएंगे। ये देखो दूध डालने के लिए, देखो गाइस नॉर्मल ये रखा गया है और एक ये रहा। या तो मैं इन्हें पहले बुला लेता हूँ या तो फिर मैं बाद में डाल देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ पहले डाल ही देता हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सारे रश करके आएँ और एकदम से थोड़ी दिक्कत हो जाए, इसलिए। मुझे तो यही लग रहा है कि जब मैं दूध डालूँगा तो सारे इधर ही भाग के आएंगे। ये देखो अभी आ गए, थोड़ा सा डालने दो, पी लो।
ये देखो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं सारे। मैं थोड़ा नीचे से लगा देता हूँ, ये देखो पिलो, इसको थोड़ा स्टैंड को, ये देखो पीछे भी आ गया एक। अभी तो सारे इंतजार कर रहे हैं कि ये पिए तो फिर मैं पीऊं। खत्म भी कर दिया इन तीन ने, और देखो कितने सारे मैं वापस डालता हूँ। आओ आओ पी लो, वो नहीं, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, जितना है उसी में काम चलाओ। अभी मैं ब्रेड भी निकाल के देता हूँ इन्हें, ये थोड़ा पॉलीथीन हम जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल देंगे। ये देखो मैंने आज, देखो ये दूसरे गैंग के हैं ये, इसलिए भौंक रहे हैं। देखो आराम से, पता है मेरे को दूसरी गैंग के हैं, लड़ना नहीं है तुम्हें। काटते हैं ये देखो गाइस, अब थोड़ी ब्रेड भी निकाल के देता हूँ इन्हें। ओह कितने सारे हैं, और वो पूरे सबको मेरे को घेर रखा है, मेरे को डर लगने लग गया यार। जब इतने सारे एक साथ आते हैं तो डर लगने लग गया यार। ये देखो और ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत ही अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं ये। Yes. तो मैं ब्रेड निकाल देता हूँ और देता हूँ, थोड़ा तोड़ तोड़ के देता हूँ, देखता हूँ खाते हैं नहीं खाते हैं। ये लो, अरे तो गाइस जैसे अंकल ने बोला था कि ये ब्रेड और रोटी और ये सब नहीं खाते हैं, इनको दूध और खीर चाहिए। और दूध तो मैं सिर्फ एक जो पैकेट है एक ही पैकेट लेके आया था, क्योंकि मेरे पास अभी मैं साइकिलिंग करने आया था, मेरे पास उतने ही पैसे थे, इसलिए मैं एक वो लेके आया था और एक ब्रेड का पैकेट लेके आया था। मुझे लगा ये ब्रेड खा लेंगे, पर देखो मैंने ब्रेड डाली और ये खा नहीं रहे ब्रेड। लो तो गाइस ब्रेड नहीं खा रहे हैं यार ये सब, पता नहीं क्या है। पर कोई नहीं, वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि गाय भी है, मैं गाय को कर दूंगा, दे दूंगा गाय को। अब गाय के पास जैसे आ रहे थे तो गाय को देखा था मैंने, गाय को ये ब्रेड खिलाते हैं। वहाँ पर हम डॉग्स को छोड़ के आए थे और आगे ही ये देखो काऊ मिली, और मुझे तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये ब्रेड खा लेगी। लो वो वापस आ गई, मैं निकालता हूँ एक बार। अरे वापस चली गई, इधर आओ। गाइस एक मिनट में ब्रेड देके आता हूँ, गाइस एक मिनट ब्रेड देके आता हूँ। अरे ये भी नहीं खा रही गाइस, ले ब्रेड। ये हो क्या रहा है यार, मैं ब्रेड की जगह दूध ही लेके आ जाता, ना गाय ने ब्रेड खाई ना डॉग्स ने खाई ढंग से। गाइस निकल चुके हैं, अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि डॉग्स ने दूध तो पी लिया, ब्रेड नहीं खाई उन्होंने, और गाय ने भी नहीं खाई, तो वेस्ट नहीं होगी, मैं और डॉग को दे दूंगा जो खाएंगे उसको। और इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहता था कि आपको भी जैसे इस वीडियो पे 500 व्यूज़ भी आते हैं या फिर 1000 आते हैं, उसमें से अगर 100
या फिर 200 बंदे भी इंस्पायर होके डॉग्स को फीड कर दें तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हाँ मैं सफल हो गया हूँ वो करने में। हर जगह हैं स्ट्रीट डॉग, हर जगह होते हैं। और ये सबसे ये है कि अगर आपकी गली में है ना, तो अगर रात को अगर कोई है या तो सोने नहीं देंगे आपको, ये भी होता है। मेरी गली में जो है वो सोने नहीं देते रात को, मतलब भौंकते रहते हैं, या तो कोई आता है तो भौंकते हैं या फिर आपस में लड़ाई होती रहती है, उनके अदर अदर गैंग होती है तो वो लड़ते रहते हैं, तो ये दिक्कत है। ये वफ़ादार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी केयर करना भी ये है कि इनकी केयर हमें करनी चाहिए। बाद बाकी और ज़्यादा खर्चा नहीं मांगते ये, जैसे आपने देखा अगर आप एक बार नॉर्मल फीड करते हैं तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है 50-100 के बीच में आपका हो जाएगा पूरा। और कर दो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन दबा दो। वीडियो लगातार आ रही है और आएगी, भाई को सपोर्ट करो, करूँगा काम, लगातार आएगी वीडियो, बस सपोर्ट करते रहो और वीडियो देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। गुड नाइट।